हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट पीजीटी एग्जामिनेशन जो आज इवनिंग शिफ्ट में हुआ है 3 दिसंबर 2022 को, उसका इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे। डायरेक्शंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन 46, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, वॉश। नाउ क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन 48 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट डैश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, इज रेनिंग। नाउ क्वेश्चन 48, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द idiom। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो गैदर्स नो मॉस है ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 गैदर्स नो मॉस राइट है। क्वेश्चन 50, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ही हैज कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मिस्टेक नहीं आएगा, क्योंकि ब्लंडर जो है वो इट्सेल्फ मिस्टेक है, तो ऑप्शन 3 जो है मिस्टेक वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। 51 है आपका, चेंज द नरेशन। केविन सेड टू मिस्टर कूपर प्लीज बी काइंड टू मी। तो ये नरेशन आपकी बनेगी, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 52, द वर्ड गैरुलस मीन्स, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव। ऑप्शन 1 टॉकेटिव इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 53, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द थीफ टुक टूवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस व्हेन अराइव। तो जो पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो है 1, द थीफ टुक टूवर्ड्स। 54 पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस स्टैंड द बस डैश। तो हैड ऑलरेडी लेफ्ट होगा, ऑप्शन 2 हैड ऑलरेडी लेफ्ट राइट है। 55, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 टू मैनी, ऑप्शन 2 स्पॉइल, 3 द ब्रॉथ और 4th कुक्स। तो ये जम्बल्ड ऑप्शंस को जो है करेक्ट ऑर्डर में जो है अरेंज करना है और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला होगा टू मैनी, फिर होगा कुक्स और फिर होगा स्पॉइल और फिर होगा द ब्रॉथ। यानी पहले आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। ये मिलते हैं आपको ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 राइट है। नाउ 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक। तो इसका आपको जो है मीनिंग बताना है करेक्ट, वो बनता है ऑप्शन 3 में, ही इज सो क्यूट दैट ही कैनॉट बी ओवरलुक। वह इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 57 है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, डिड ही किल ए लायन। आपका पास्ट इंडेफिनिट था, तो इसको हम अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बन जाएगा वॉज ए लायन किल्ड बाय हिम। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाउ 58, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। प्रोहिबिशन है, मनाही है, तो मस्ट आएगा। ऑप्शन 4 राइट है, पैसेंजर्स मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, प्रोहिबिशन के लिए मस्ट होता है। 59, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाइदर यू नॉर शी डैश मेड द मिस्टेक, है जाएगा। ऑप्शन 2 राइट है। 60, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, मिस्टर सुधीर सोनी इज डैश RAS ऑफिसर। इसका आंसर होगा N, ऑप्शन 1 इज राइट। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है HTET जो आज हुआ था PGT एग्जाम, उसका इंग्लिश पोर्शन सॉल्व किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।